तबे स्वप्ना सत्य सकाळ द्वितीय पर्याय आसी पहुँची और आज भी जड़े खास अतिथि आम सहित जोड़ रही आपण टीवी पर्दार देखी थे स्तंभ पढ़ी थे गप पढ़ी थे जड़े चिन्हा परिचित मुह अनेक फैंस रही जो मैंने कि लेखा को पसंद करती आज अतिथि जी रही श्रुति कीर्ति त्रिपाठी रही मैडम आम गहन उपस्थित हो सारी मैडम आपन को सत्य सका स्वागत कर आज सका समय बाहर कले केमती अच्छा बहुत भल अच्छी आई कि असह्य गरम पर कादिन जो टी टे वर्षा हो बहुत आश्वस्तिकर परेश बहुत भल लगुच फ्रेश लगुच तेज मैडम आम तो आपन को सदा बेले टी पर्दार होकर स्तंभ पढ़ी था तेज जो मैंने आपन को जाणी नहांती टे जन प्रकृत जात्रा के आरंभ है पढ़ापढ़ी तो मोर बहुत आगुरी थिला मुझे तो बड़े कॉलेज रे पढ़ू थी यूनिवर्सिटी रे मु संबलपुर यूनिवर्सिटी रे पाठ पढ़ी मोर एक्चुअली मोर सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स किंतु मो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट थाई कि भी मोर ओडिया प्रति एत आग्रह साहित्यर माने उपन्यास और गल्प संकलन गुड़ाक जा लाइब्रेरी पढ़े मो निज बही आनी थी गोटे कि तीन चार्टा मुझे आने मोर प्रिय लेखक लेखिका मनोज दास प्रतिभा राय से मर बही से आणिक मुझे पढ़े आई पढ़ाटा बोधे मानने बहुत कम थी मानने कम दे कहे मुझे जोटा कि मोर लेखालेखी जी कह 2017 रु ही आरंभ होता पूर्व मुझे सब पढ़े मैडम प्रथम पुस्तक कौटा रिलीज मोर प्रथम पुस्तक हूँ गोटे गल्प संकलन जहाँकि लास्ट इयर इनागोरेट होता सेटा जेहेतु कोविड थिला मु आ माने बाहर रिलीज करनी किंतु सेटा गवर्नर हाथ में उन्मोचित होता से बहीटा भी मो पाखे अच्छी गल्प संकलन जार ना हूँ रंगतुली जीवन तो से जो पुस्तक मैंने कौपर आधारित एक्चुअली से 29टा सस्टोरी कलेक्शन किंतु तार प्रति गप मैं एत बड़ नुह कि अति छोट नुह मैंने जी भी ताको अल्प समय भितर पढ़ी शेष कर दे पार तो से भाया गप मो गप हूँ टे बास्तव जीवन आ चारिपटे घूरी बुलूता चरित्र गुड़ाक नहीं कि मो गप गुड़ाक तार ही गोटे शीर्षक मानने गोटे गप अच्छी रंगतुली जीवन जहाँ को लेकिन मोर शीर्षकटा अच्छी तबे मैडम आम देखी जे स्तंभ गोटे भिन्न कथा एवं बहिरे लेखालेखी करवा गोटे भिन्न कथा किंतु आपण दीटा जाक लिखती खास कर आम देखीचे जो मैंने खास कर स्तंभ लिखती से मैंने गप के ध्यान दिखती लिखती बहुत जन किंतु ध्यान दिखती तबे आप दीटा कह भी से मोर सर्वप्रथमें मो गप रु ही आरंभ करी गल्प जो अलग मान गप पढ़े मतलब लगे मुँह भी तो एमती लेखिपरि धीरे धीरे लेखि लेखि मोर गप ही आरंभ है कि मोर गोटे अभ्यास जो मुझे सबुदिन खबरकगज पढ़े तो तार एडिटोरियल पेज जो आप कहते संपादकीय पृष्ठा से पृष्ठाटा जिते मुझे पढ़े दु तीन टा खबर कागज पढ़ी सारापर मत लगला जो मुझे एमती लिखिपारती कहीं तार जो मैंने करेन्ट इश्यू गुड़ाकर ये तो थाए तो मुझे भाविली से ही भाविली आरंभ कली मुँह भी या लिखी प्रथम मुझे लिखिली फेसबुक ही मुझे लिखुदी प्रथम तापर जेटा जिते मैंने मुझे देख ली मो सांग मैंने हूँ कि मो फ्रेंड सर्कल रे जो मैंने भी अच्छा मैंने खूब सुंदर रेस्पन्स दौंती नुआ नुआ टॉपिक भी तरफ सजेस्ट करापर मुझे धीरे धीरे भाविली जे नाई मो लेखाटा ठीक अच्छे तापर मुझे खबरकगज को पठेली तापर से धीरे धीरे प्रकाशित है आबे एमती हो मो गल्पटा मानने कम अच्छी आ मैंने जो आप कौन स्तंभ अधिका अच्छी गल्प एमती ना ना कि गल्प प्रकाशित करने रखुनि मुझे संकलन करने रखी आतंभटा जेहेतु स्तंभ गोटे एमती जिनस डेली पेपर में बाहर सीना भल बहुत रेस्पन्स आसे इवन रिडर्स पढ़ी कह मैडम या उपर लिखतु तो बहुत ही खुशी लगे जोटा कि आहरी लिखा को अधिका आग्रह जगाए मैडम आपण श्रुतकीर्ति तो टिके गोटे निरा ना अच्छी ना किए देते अर्थटा कौन श्रुतकीर्ति मो जेजे बापा ना देते श्रुतर अर्थ हूँ शुणी शुणा जाइवा कीर्ति मान जश श्रुतकीर्तिर अर्थ हूँ जार जश बा जार कीर्ति शुणा जा तो यही नाटा गोटे आप जो पुराण रू आदि जानवे शत्रुघ्न स्त्री ना थी श्रुतकीर्ति अर्जुन को भी श्रुतकीर्ति कहा जाए तो से गोटे मो जेजेबापा गोटे ना जोटा कि समस्ते मतलब से चिन्हुं आ गोटे यूनिक बोली कहते हैं सब धन्यवाद देवी तो मैडम आपण जी भी लेखालेखी कौटू टॉपिक आणती मानने करेन्ट सिचुएशन को देखिकी लिखती ना
हाँ करेंट सिचुएशन उपरे मोर बेसी तापरे किछि माने जो आपण देखंतो गोटे हिसाब रे जदि कहिबे आपण गणमाध्यम भी हमको बहुत सहायता करे काहेकि आमे देखु जोटा बेसी ये होची माने माने हाइक होची से जिनस उपरे लेखिबा को इच्छा होय आ बेसी कहिबे जदि मु छोटा पिलांकर जो शिक्षा आ महिला मानकर ये आ करेंट पर जो सचेतनता उपरे मु टिके बेसी लेखे बिन मो गप गुडा करे भी गोटे सबले वार्ता थाए जे केमिति तार गोटे गप हवा मनोरंजन धर्मी हवा सहित शेषे गोटे समाज को किसी गोटे सकारात्मक वार्ता दौर निहाती मैडम जब देखा ओडिया बही कथा देखा तो चेंजेस तो आसी निहाती भाव में ऑनलाइन भी मिलूँ आगुरी हे तो बहुत लेखक पाठ केवल इंग्राजी पुस्तक ऑनलाइन मिलूला एवं ओडिया बही भी मिलूँ तो आपन केमती देखुं प्रकृत में आम ओडिया जो बही रही लेखक मैंने रही स्थिति बर्तमान कौन आगक बढ़ुची ना कहे जमती ही थी सेमती ही अच्छे निश्चित भाव आग को बढ़ोची देखो किसी वर्ष तले तालपत्र भी लिखाऊला जदि आम से समय आम कौन आज बही पढ़ी पार था पढ़ी पार ना तो टेक्नोलोजी अनुसार रिवल्यूशन हो तो से समय से नष्ट होता यहाँ पेपर को आसला आग को डिजिटलाइजेशन हो जाए तो निश्चित भाव में यहाँ गोटे स्वागत योग्य पदक्षेप या नुहजे डिजिटलाइजेशन है कि मोबाइल आसीगला बहर चाहिदा कमी जाए जे पाठक जे बही पढ़ाक चाहिए से बही निश्चय पढ़ुं आउ यह कथा है यहाँ सबुआ जदि मैंने देखो बही भी पढ़ा मोबाइल भी पढ़ा सबुठ जब पढ़ी पार्बा तो गोटे हिसाब से आम देखा साहित्यर अग्रगति ही होची तो मुझे यहाँ सकारात्मक हिसाब से नेबी तो पढ़वार इच्छा थे जो भी जड़े पढ़ी पार एक्जाक्टली तो श्रुतकृति मैडम आजिकल युवपीढ़ी पाखे समय कम थी मोबाइल मैंने एबे तो काहाकु माने पढ़ीबाकु बा नै केते जन चाहिलेनी आमे सुनी देबो कार चले कि जाउछन्ती कोडे बुलियाक जाउछन्ती कहबे आमे सुनी देबो से जिनसटा 2-3 मिनिट 10 मिनिट से माने सुनी परिबे किन 10 मिनिट पढ़ीबा पई तो पेशेंस रो अभाव माने इंटरेस्ट अनुजाई बही पढ़ी परिबे सुनी परिबे तो हमरो इंटेंशन हवा कथा जे साहित्यटा केमिते आगो को जाउ लिटरेचर गोटे वाइड रेंज रे समस्त पाखु को आसले सेटा ग्रहणीय हबो तो मैडम आपनको लेखा केमिति अधिक रु अधिक पिलांको पाखरे कि लोकों पाखरे पहुचिबो से नै आपन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रे किछि प्रयास करिसेंती कि आपन निजो किछि ब्लॉग करिसेंती कि सोशल मीडिया तो मु फास्ट जेंती आपन को कहली जे प्रथम सोशल मीडिया रे ही लेखिबा आरंभ करथिली सेठो एबे मोर माने एमिति हलानी जे दितेनटा वेब पोर्टल रे मते लेखा पई कमिट करिसि वीकली दिटा सेटा तो आपन जानथु वेब पोर्टल गुडा को केते शीघ्र शेयरेबल आ केते शीघ्र समस्त पढ़ पारंती या परे भी मोर निजरो गुटे वेबसाइट टे माने तयारी होची जोटा कि अंडर प्रोसेसिंग अछि गुटे माने किछि दिन भीतर सेटा ये हबो मोर ना रे ही मोर मिली गला जाहु मु से वेबसाइट टा चाहुतिले मोर ना रे मिली बने कि मिली जाइछि यूनिक ना अछि तो मिली था सेति पई मु भाबुतले काले मिली बने किंतु मिली जाइछि खूब शीघ्र से वेबसाइट टा भी इनॉग्रेट होबार अछि तो मैडम जो माने भी लेखक आसंदी प्राय तांको ए क्वेश्चन टा थाए जे प्रकृत रे आपण केतेबेले लेखंती माने किछि सेंदी स्पेसिफिक टाइम थाए ना आपण जहा देखिले केतेबेले समय मिलिला तापर ताकु आपण एकाठी करी लेखंती ना गोटे पर्टिकुलर समय थाए लेखंती सेटा मु मोर गोटे शेड्यूल बनि दैछि काहेकि ना मोर मो पुओ 9th रे पढे मो से मु ताकु निजे देखे आ मोर आमे जॉइंट फैमिली रे रहू तो समस्तंकर सबु सुविधा परे ही मु मोर लेखा लेखी जहा जे पढा पढी करे तो मोस्ट मते टाइम मिले दीपहर आउ रात तो मुझे दुटा टाइम आराम करे शेड्यूल फिक्स कर जॉइंट फैमिली क्या कहे जॉइंट फैमिली मैंने समय बाहर करिया बहुत ही मुस्किल था से जो टाइम शोब से टाइम लिखे बाकी टाइम मोर काम भी किसी असुविधा हुए नहीं जेहेतु समस्ते सपोर्टिव से कमटा किसी असुविधा हुए ना आगे चले तो मैडम आगु को आपनकर कोन प्लान अछि आगु सेमती किछि माने पुस्तक लेखिबार किछि प्लान अछि कि हां जेहेतु गोटे गल्प संकलन बाहरि जाइ छी आ या परे मोर माने गोटे प्रबंध संकलन बाहर करिया पई मु राजी हे छी जहा को मु एबे रखु छी ताको करबी आ मु शिशु साहित्य भी लेखे गल्प छोट पिलांक पई गल्प सेटा भी आगु को भविष्य रे प्लान अछि गोटे बही करिवार आपण जो कहले शिशु साहित्य कथा जे देखियो जे आमे छोट बले खास करकी जन्मबाबू मीना बाजार भली अनेक मनोभवन एमती अनेक गुडे थिला ऑप्शन थिला आम पकरे मते जा लागु छी वर्तमान बोध हे छोट पिलांक नै की एतेटा बाहर नै खास करकी देख ओडिया बही कथा कहिबा बा जदी मैगजीन कथा कहिबा मैगजीन बाहर कि छोट पे एबे पढ़ाक चाहू ना कहीं से मानते जो पाठ सिस्टम एमती हो गला अति बहुत बही पाठ बही बहुत ही जाऊँगी तो से सब जिन दृष्टि आम कर गोटे हिसाब से आम अभिभावक हिसाब से घर पढ़ाक दे पार लाइब्रेरी भी से जो बही पढ़ुं से टीचर्स मैंने रेस्पनसबिलिटी ना जे बही पढ़िया कथा
ଆଉ ରହିଲା ଆମର ତ ଏଠି ମମିନା ମାନେ କୁନି କଥା ଏସବୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ମାଗାଜିନ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅଭିଭାବକଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ବହି ଦେଲେ ଆଉ ପଢ଼ିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କରୋନା 2 ବର୍ଷ ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ତ ଆପଣ କରୋନା ଉପରେ କିଛି ଲେଖାଲେଖି କରିଛନ୍ତି ହଁ କରୋନାରେ ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ମିନି ଗପର ସିରିଜ୍ ବାହାରିଥିଲା ପୁରା ମାନେ ହାର୍ଡଲି 1 ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସିରିଜ୍ 55 ଗପ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ତା ନାଁ ରଖିଥିଲି ଶ୍ରୁତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଉ ସେଇଟା ସେ 100 ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ବି ଗୋଟେ ବହି କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ତାଲିକା ଲମ୍ବା ଅଛି ଲେଖାର ନିହାତି ତେବେ ଯଦି ପରିବାର କଥା ଦେଖିବା ତେବେ ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ପଢ଼ନ୍ତି ମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ନା ଯେହେତୁ ଯେହେତୁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଲେଖିକା ଜଣଙ୍କ ନା ବହି ପଢ଼ନ୍ତିନି ନାଇଁ ନାଇଁ ପଢ଼ନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଥାନ୍ତି ମୋ ମାନେ ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି ରଖନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଶାଶୁ ବି ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଗଲେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ସେ କ'ଣ କରିବେ ସବୁ ଲେଖା ରଖିଥିବେ ଯିଏ ଆସିଲେ କହିବେ ୟାର ବାହାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ବି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ବହି ବାହାରିଲା ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ସେ 10 ଖଣ୍ଡେ ବହି ରଖିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ସେ ତାଙ୍କୁ ବହି ଦେବେ କି ଯାହା ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଫାଗାଜିନ୍ ଥିବ ସେଇଟା ଆଗ ସେ ନେଇକି ପଢ଼ନ୍ତି ପ୍ରାଉଡ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ନିହାତି ନିହାତି ଘର ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ମିଳିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖାଲେଖି ଏବେ ଚାଲିଛି ହିଁ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେବଳ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ମିଳେ ନା କେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ହେଇପାରନ୍ତା ଏଇଟା ଏମିତି ଲେଖିଥିଲେ ସଜେସନ୍ ବି ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି ତାଙ୍କ ମତ ରଖନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ସେଇ ଲେଖାରେ ନହେଲେ ବି ଆଗାମୀ ଲେଖାରେ ମୁଁ ତାକୁ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଆଉ ନିଜକୁ ବି ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଏତେ ସାରା ଗଳ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି ତ କିଛି ଆମେ ଶୁଣିପାରିବା 2 ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର କିଛି ବି ଗପ ତ ଏମିତି ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଛି ଶ୍ରୁତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଗପ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଥିଲା ଅତି ଛୋଟ ଛୋଟ ମୁଁ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ କହୁଛି ତାର ଶୀର୍ଷକ ଗୋଟେ ଥିଲା ଚିନି ଆଉ ଗୁଡ଼ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଉତ୍ସବ ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭେଟ ହେଇଥିଲେ ତ ସେଠି ସେମାନେ ଗୋଟେ 2 ପ୍ରକାରର ପାର୍ଟିସନ୍ ଭଳିଆ ବସିଥିଲେ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭଲ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ହାଇଫାଇ ଚାକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ମିଡ଼ିଲ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଥିଲେ ତ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗର ଥିଲେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ହାଇ କ୍ଲାସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ବି ଡରୁଥିଲେ କାରଣ ସେ ବଡ଼ ପୋଜିସନ୍ରେ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଯିବି ସେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିବ କି ନାହିଁ ତ ସେଇଥରେ ଏମିତି ହିଁ ବସିଥାନ୍ତି ସେ ବଡ଼ ହାଇ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଜଣେ ଆସିକି ସାଙ୍ଗ କହିଲା ଆଉ ସାଙ୍ଗ କେମିତି ଅଛୁ ଭଲ ତା'ପରେ ସେ କହିଲା ଆଉ କେବେ ଆସୁନ ଆମ ଘରକୁ ତ ସାନ ସାଙ୍ଗଟା କହିଲା ଯେ ତୁ ତ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲୁଣି ତୋ ପାଖରେ କ'ଣ ସମୟ ଅଛି ଯେ ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବୁ ନା ଆମେ କେବେ ଗଲେ ଦେଖା କରିବୁ ସେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ବନ୍ଧୁ ଜଣଙ୍କ ସେ କହିଲେ ସମ୍ପର୍କଟା ଚିନି ଆଉ ଗୁଡ଼ ଭଳିଆ ହେବା କଥା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କାହିଁକିନା ଚିନି ଆଉ ଗୁଡ଼ କେବେ ବି ମାନେ ସେଥିରେ ଚିନି ଶସ୍ତା କି ଗୁଡ଼ ଶସ୍ତା ଚିନି ମହଙ୍ଗା ଏମିତି କୁହାଯାଏନି କିନ୍ତୁ ତା'ର ମେନ୍ ହେଲା 2ଟା ଯାର ମାନେ ଯେଉଁ ମଧୁର ଯେଉଁ ତା'ର ତା'ର ଗୁଣଟା ମିଠାସଟା ଯେଉଁ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ସମାନ ସେଇଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସେ ମିଡ଼ିଲ କ୍ଲାସ୍ ଏସବୁ ନ କରିକି ଚିନି ଆଉ ଗୁଡ଼ ଭଳିଆ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଦରକାର ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ହିସାବରେ କହିଲି କିନ୍ତୁ ଲେଖିବାରେ ସେ ତା'ର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ପୁରା ଅଲଗା ଥାଏ ତ ଏମିତି ହିଁ ମୋର 55 ଗପ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଲେଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଆମ ସହିତ ଲେଖିକା ତଥା ସ୍ତମ୍ଭକାର ଶ୍ରୁତ ପୂର୍ଣ୍ଣା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମ ସହିତ ଶ୍ରୁତକୀର୍ତ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏର ନାଁଟା ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ପାଟିରେ ହିଁ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ସାରା ଗଳ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମେ ବ୍ରେକ୍ରେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଯେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥାଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିବା ତ କେମିତି କ'ଣ ଶବ୍ଦର ସଂଯୋଜନା କରନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଲେଖନ୍ତି ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଯେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିବା ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କଷ୍ଟ କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରଳ ଶବ୍ଦର ଦରକାର ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମାନେ ପଢ଼ିକି ବୁଝିପାରୁଥିବେ କାହିଁକିନା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଏତେ କଷ୍ଟ ଜଟିଳ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ମାନେ ଧାରଣା ହିଁ ନଥାଏ କି ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଗପ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ 10ଟା ଶବ୍ଦ ସେ ବୁଝିପାରୁନି ଯାଇକି କାହାକୁ ପଚାରୁଛି କି ତାକୁ ମନେକର କାହାଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେ ତା'ର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ପ୍ରତି କମିଯିବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଯଦି କହିବେ ତାକୁ ସରଳ ଧାରାରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ ଏମିତି ବି ବହୁତ ଥର ହୁଏ ଯେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗପ ଲେଖୁଛୁ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖୁଛୁ କିଛି କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଆସିଯାଏ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଲେଖିକି ପଠାଇଥାଉ ସେଇଟା ଆମର ଫୋନ୍ କରିକି ମନା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏହାକୁ ଆହୁରି ସରଳ କରନ୍ତୁ ତ ମୋ ହିସାବରେ ତ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ମାନେ ସୃଜନ ନର୍ମାଲ ସାହିତ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କଷ୍ଟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶଂସକ ରହିଛନ୍ତି ଖାସ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ଲେଖକ ବନ୍ଧୁ ସେମାନେ ତ ନିହାତି ଶୁଣୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲେଖକ ଲେଖିକା କିଏ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢ଼େ ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି ଯେ ମାନେ ଆପଣ ଏବେ ଯୁଗ ଏବେର କହୁଛନ୍ତି ନା ଯୁବପିଢ଼ିର
আচ্ছা তো মু সেমতি যদি প্রবন্ধ যদি কইবে মতে তাঙ্কর ললিত নিবন্ধ লেখন্তি পরম ব্রহ্ম ত্রিপাঠী তাঙ্কর লেখা বহুত ভাল লাগে আউ গল্পরে অরবিন্দ দাস সুচন্তি তাঙ্কর গপ ভাল লাগে আউ এমতি মু তো সবু পড়ে মোর গোটে অভ্যাস যে মু যদি গল্পটা আরম্ভ কলি মানে কি কিছু বি বহি আরম্ভ কলি মানে মু নিশ্চয় তাকে শেষ করে সে বেড়ে বেড়ে ইন্টারেস্ট ভাঙ্গি যায় কিন্তু মোর সে অভ্যাস যে মু শেষ যায় পড়ে तो मैडम आपणकर कोथले आपणको पुओ भी घरे अछन त सीए आपणको लेखा को पढंती सब हां बेले बेले एमति भी हुए जे मु गोटे गोटे जेतले गप लेखि सारे मु तार शीर्षक दे पारे ना तो मु सेतले ताको कहितु टिके बस मु टिके पढुछि तू सुनिबो गोटे किछ गोटे सजेस्ट करियो आ लकीली से सब थरो किछ ना किछ गोटे कहे जेउतरी मते आइदर सेटा मु पूरा नै जाय नले सेते टिके किछ चेंज करकि आइडिया दिए से मते से लेखे लेखेनी किंतु पढे मोर पढे सुने मैडम आप जमी कहते हैं आखपाखे क्यारेक्टर घटना को लेकिन आपड़ लिखा तो एमती के आप गोटे क्यारेक्टर को लेकिन लिखिदेव से क्यारेक्टर टा आपण सामने अच्छी से निजे भी जापारे देखिए किसी लिखाई सेमती कि बहुत थर से हुए आम मैंने जो कहते आम तो अनुभूति रही गप ना तो से अनुभूति गपटा कि मात्र कल्पना मिसाइकि कितु देखला बेलू से कहा जीवन सहित केत मिसाए तो से जो पाठकटी पढ़ी फोन करके जड़े जेटा आप कथा लिखि देखते से दे लगे जो कौटी ना कौटी आम मानते जोड़ी ही जाऊे आमती भी हुए मुझे जो मुवि देखु थे नुआ मुवि कथ कौन जो आसूँ इंडस्ट्री में जितने मुवि देखि फास्ट रू देखे मुझे जाणी देता है एंडिंग कौन हम तो एक्जाक्टली सहीटा ही होता है तो सही बोधे लगूँ आम इमाजिनेशन से अच्छी आम से स्टोरी क्रिएट कर कैपासीटी अच्छी जोटा कि लोक कनेक्ट कर तबे मैडम लेखा लेखी सबुठ मान कष्ट कम कह गले माने बाकी डांस गीत ए सब देखीदे गीत गाईदे तो किंतु ये शब्द दरकार जो मैंने कहते अलंकृत शब्द दरकार जमी जो मैंने पढ़ुं से भी आकृष्ट से तो मैंने केवठ कौन ये स्टार्ट आप 2017 लेखालेखी स्टार्ट कले कि छोट बल किसी तो आपर सेमती गोटे गुण थी हाँ निहाती कहीं मोदे आम पढ़ु साहित्य बहुत भल लगे आहित्यटा से आम सेमती पढ़ मुझे केवे भी भावि नी लिखी कहीं देखो मोर मु पोस्ट ग्रेजुएट कर स्टाटिस्टिक्स तो जो मतलब पचारती आप कौन पढ़ापढ़ी मतलब कहीं विश्वास करती लिखुवि कि टोटाली गोटे अलग जिनस गोटे कैरियर पर गोटे पाठ पढ़ा और सृजनशील टोटाली अलग जिनस जेहेतु पढ़ापढ़ीटा कंटिन्यूस बहुत प्रकार बही मुझ पढ़ी कहीं जो बही गुड़ाक पढ़ी से बहुत हाई लेवल बही पढ़ी जमीक माटी मटाड़ गोपीनाथ महाती बहुत जिन बहुत मैंने प्रतिभा राय मनोज दास एम को पढ़ला पर शब्द गुड़ाक ऑटोमेटिकली जितने आम लिखा आरंभ कर आसी जाऊँ बोधे से पढ़ी बोली आज लिखा को किसी असुविधा हो यदि कह कमलाकांत पूरा अलग स्टाटिस्टिक पाठ पूरा अलग साहित्य पूरा अलग किंतु मैडम दीटा को बैलेंस करके दीटार ही सक्सेस तो मैडम आपण सारमती मानने कौन सपोर्ट थाए सपोर्टिव तो से पूरा पूरी भाव में कहीं जिते बड़े भी फास्ट सपोर्टा हजबैंड ठार् ही मिले कथा आ कुआडे जीवापाई हो जहाँ भी देखिए आम जितने जो लाइन रे अच्छा आमको गोटे गोटे जगह को 4-5 घंटा भी जीवा को पड़े गोटे मैंने बाहरी गला मैंने फेर निश्चय 4-5 घंटा तो से टाइम रे घर तो संभालिया सब बो को भी से मैंने जखती ये से कथा माने रहे ये सपोर्ट तर आदि घर लोकर न था बोधे मुझे ये न था निहत भाव में तेज आप कहते आगे भी आपर निजर वेबसाइट भी प्लानिंग करल्प संकलन भी आसवाक जाऊँगी तेज किसी तो स्वप्न देखिथे आप जे लेखालेख को लेकिन मत यह लिखार अच्छी किंबा गोटे चरित्र थी मत कि बही थी ये मोर लिखार अच्छे सेमती किसी स्वप्न एमती कौन हुए आम मुझे बहुत थर एमती हुए जो किसी गोटे चरित्र भाथ्वि कि लिखि पारि नी तो मो आम घरे गोटे स्त्री लोकटे कम कै तार जितने कथ शुणे मतलब लगे जो गोटे लिखा कथा कि लास्ट 2 वर्ष है लिखि पारि कहीं लिखले गोटे उपन्यास हम आन्यासटा लिखाटा एत सहज नुह तो मुझुची मुझे से समय नेबी जमीक आहरी परिपक्व हबी आपर ही से उपन्यास को आरंभ करी तो एमती बहुत कहली पढ़ा पढ़ी मो खाली मैंने जिते बारे नॉलेज गेन करा चाहूँगी से स्तंभ हो साहित्य हो किसी सब आलोचना समालोचना किसी भी आप पढ़े मैंने दैट्स एडिशन टू योर नॉलेज तो श्रुतकीर्ति मैडम एथर मुझे पूरा ठीक से कही माइंड सेट करा ठीक कह तो आप छोट पिला बहुत सारा गल्प लिखिं तो दीपद आम शुणीपर जो मैंने भी छोट कुनी पिला देखते हैं मुझे छोट गल्पटे लिखी थी तार शीर्षक शक्तिमान माँ पुआ बस कि टी देखुले
ତ ପୁଅ କହିଲା ହଁ ନାଇଁ ତା ମାମା କହିଲେ ଯେ ତୁ ଏଇ ଶକ୍ତିମାନ ସିରିଏଲ୍ଟା କାହିଁକି ଦେଖୁଛୁ, ଏଇଟା ଏଇଟା ଦେଖିକି କ'ଣ ଲାଭ, ଏଇଟା ସବୁ କିଛି ହୁଏନି, ଏଇଟା ଖାଲି ଟିଭିରେ ଏମିତି ଦେଖାଉଛି। ତ ସେ ପୁଅଟା ଦେଖିଲା, ପୁଅ କହିଲା ହଁ ଶକ୍ତିମାନ ଯାହା ଯାହା କରୁଛି ସେ ସେଇଟା ତ ସେ ଯେଉଁ ଯାହା କାମ କରୁଛି ସେଇଟା ତ ଶକ୍ତିମାନର କାମ ନା। ତାପରେ ସେ କହିଲା ଆଉ ମାମା ଆମ ଘରେ ବି ତ ଶକ୍ତିମାନ ଅଛି ନା। ତ ମାମା କହିଲେ ନାଇଁ ଆମ ଘରେ କୁଆଡ଼ୁ ଶକ୍ତିମାନ ଆସିବ। ତାପରେ ସେ ପିଲାଟା କହିଲା କାହିଁ ମୋ ବାବା ଶକ୍ତିମାନ ନୁହନ୍ତି କି, ସେ ତ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଣିଦେଉଛନ୍ତି, ମୋର କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମୋର ସବୁ ମନ ଲେଖି କାମ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତ ମୋ ବାବାଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତିମାନ କିଏ ଅଛି। ତ ଏମିତି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଗପ ଯେଉଁଟାକି ପିଲାଙ୍କର ମନକୁ ବହୁତ ଛୁଏଁ, ଆଉ ସେମାନେ ବି ଭଲ ପଢ଼ ମାନେ ତାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଦରକାର ଯେ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଦରକାର ପଢ଼ିବାକୁ। ନିହାତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଇମାଜିନ୍ କରନ୍ତି ଶକ୍ତିମାନ କି ନା ଘରେ ଶକ୍ତିମାନ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ୱିସ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, କାରଣ ସମୟର ଅଭାବ ରହିଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ରହିଛନ୍ତି ବା ଲେଖକ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖାକୁ ପଢ଼ନ୍ତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ମେସେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଯୁବପିଢ଼ିର ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହା ହିଁ ମେସେଜ୍ ଯେ ଲେଖିବା ଆଗରୁ ସେମାନେ ବହୁତ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ନ ପଢ଼ିଲା ଯାଏଁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବାନି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଏବେ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ତା'ର ଗୋଟେ ଟିକେ ଡିମେରିଟ୍ ରହୁଛି ଯେ ସେଥିରେ ସମ୍ପାଦନା ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ଲେଖାଟା ଜାରି ରହୁ, ଯଦି ଲେଖା ଭଲ ଥିବ ଆଗକୁ ସମୟ ଆସିବ, ଯେଉଁ ଭଲ ଲେଖା ହିଁ ଆଗକୁ ଯିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେମାନେ ବହୁତ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ବହି ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହେ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଏବେ ବହୁତ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ରାଜି ହେଉନା। ତ ସେଇଟା ଆମ ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରି ଆମର ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଭାଷା ଏସବୁ ଉପରେ ବହି ପଢ଼ିଲେ, ଆଉ ସେଇ ଉପରେ ହିଁ କିଛି ଲେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆମେ ସଂସ୍କୃତି ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଐତିହ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିବା ନା, ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଯେଉଁ ଆମର ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ନର୍ମାଲ୍ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ଲେଖିବାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଧାରାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଗ୍ରହ କରିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଶା କରିବା ଯେ ପାଠକ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଥିରୁ କିଛି ଶିଖିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜି ଆସିଲେ, ଆମ ସହିତ ଅନେକ କିଛି ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ କ'ଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଜି ଆପଣ ସତ୍ୟ ସକାଳ ଅତିଥି ହେଲେ। ତେବେ ସ୍ୱପ୍ନା ସମୟ ତ ସରିଯାଇଛି, ଆମକୁ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନମସ୍କାର।